इस वक्त की बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं तो बता दें आपको कि देश में कोरोना का कहर फिर बढ़ रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी कोविड से हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। तो जहां एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है तो वहीं देश में फिर कोरोना ने अपना ग्राफ तेजी से बढ़ा लिया है। तो बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मरीज नए सामने आए हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोविड से हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा। इस वक्त की बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, देश में फिर कोरोना का कहर बढ़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब सामने आया है कि 24 घंटे में 53,000 मामले नए सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी? जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में फिर कोरोना का कहर बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड से हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। तो यहाँ लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की अपील की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, जैसा कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब खबर सामने आई है कि 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र मुंबई में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र सरकार तमाम पाबंदियां भी कड़ाई से पालन करने के लिए कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग तमाम तरह की लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से हालात रहे तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने के लिए लगातार सरकार से सिफारिश भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है महाराष्ट्र में तो उसका विरोध करेंगे। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सरकार ने तमाम जो गैदरिंग वाला प्लेस है, चाहे वो मॉल कहा जाए, थिएटर कहा जाए, फिर रेलवे स्टेशन कहा जाए, उसको जो है तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। अदर स्टेट से अगर आप रेलवे के द्वारा आते हैं तो सबसे पहले आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। वहीं मॉल में अगर आप जाते हैं तो आपको एंटीजन टेस्ट के बाद ही आपको जो है मॉल में जाने की अनुमति दी जाएगी। सेम थिएटर में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद जो है आप मॉल थिएटर में जा सकते हैं। तो ऐसे में गैदरिंग इलाके में अगर देखा जाए तो गैदरिंग इलाकों में भी महाराष्ट्र सरकार 144 के तहत लगातार मुंबई पुलिस के ये आदेश दिया है कि आप तुरंत कार्रवाई करें। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार पूरे मामले में संज्ञानता ले रही है, लेकिन जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, आए दिन नए नए जो स्ट्रेन सामने देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों को चेतावनी दे रही है कि आप अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, अन्यथा लॉकडाउन के लिए तैयार रहिए। जी जी, सत्यप्रकाश, जैसा कि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच में तमाम चीजें भी सामने आई कि लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है और उस बीच में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, और इस तरफ अगर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ऐसे कंटिन्यू ही लगता रहा तो फिर आम जन के साथ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो साधना, देखिए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, उसको भी लेकर लोगों के तरफ से तमाम नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान 8 बजे ही मुंबई में जो तमाम दुकानें हैं या फिर थिएटर्स है या फिर मॉल है, उसको बंद करवा दिया जा रहा है, आवाजाही बंद करवा दी जा रही है। ऐसे में लोगों के तमाम खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से सरकार गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन भी झेलना पड़ सकता है, ऐसे में मुंबई पुलिस और मनपा सहित महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन न लगे, इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है 20% लोग अभी भी हैं जो न मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, नहीं इस तरह की चीजों को मानते हैं। तो ऐसे में कई लोगों का तो ऐसा भी कहना कि महाराष्ट्र सरकार या देश की जो केंद्र सरकार है वो कहीं कहीं बेवकूफ बना रही है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं। इस तरह की चीजें जब सामने आती थे जाहिर तौर पर लोगों को जागरूक भी करने की बात सामने आ जाती है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।